शिक्षा और परीक्षाओं के बीच बच्चों के अंदर एक अलग से भ्रांति होती है कि आखिरी समय में हम परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, और ढेर सारे ऐसे शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान और ढेर सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो बार बार बच्चों को ये बताती है कि शिक्षा में परीक्षा के अंतिम दौर में अपनी तैयारियाँ कैसे करनी चाहिए। तो हमारी अपनी एक नई शुरुआत, नई पहल, जिसके अंतर्गत हम आपको लास्ट 10 दिन के अंतर्गत आप अपनी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, परीक्षा में किन विषयों पर ध्यान दें, परीक्षा की व्यवस्था क्या होनी चाहिए, समय का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, किस समय के अनुसार और किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, इस पर बात करेंगे। इसके लिए हमने चुना है सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के टीम को, जिसमें हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। साल 2005 से प्रारंभ हुई यह संस्था, पूर्वांचल में अपना एक अलग स्थान रखती है, अलग अलग क्षेत्रों में शिक्षण कार्य कर रही है, और दूरू जो देहात के क्षेत्र है वहाँ भी शिक्षा की अलग जगह रही है। तो हमारे साथ हैं इस समय डॉक्टर अजीत कुमार शुक्ला जी, जो कि यहाँ हिंदी के प्रवक्ता हैं और साल 2016 से यहाँ शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि शिक्षा के अंतिम दौर में परीक्षा के समय जो यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर के बच्चे हैं, वो हिंदी में अपनी तैयारी कैसे करें, हिंदी विषय में किन किन विषयों पर ध्यान दें, किन टॉपिक को टच करें और कैसे परीक्षा में लिखें। तो सर, सबसे पहले बच्चों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए एग्जाम के समय में, तैयारी के समय? देखिए, मैं हिंदी विषय से हूँ और हिंदी विषय को लेकर के बच्चों में भ्रांतियाँ ज़्यादा होती हैं, भ्रम ज़्यादा होते हैं हिंदी की तैयारी कैसे की जाए। अब चूँकि हिंदी मातृभाषा भी है और विषय भी है, इसमें सबसे पहले, क्योंकि हिंदी अन्य विषयों से अलग है, हिंदी में व्याख्यात्मक प्रश्न भी आते हैं, लघु उत्तरी भी आते हैं, दीर्घ उत्तरी भी आते हैं, वैकल्पिक भी आते हैं। तो पहले तो वैकल्पिक जो प्रश्न हैं एक एक नंबर वाले, वो मसलन आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक, उसकी तैयारी बच्चे कर लें अच्छे से, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, व्याख्या के लिए ससंदर्भ व्याख्या, व्याख्या महत्वपूर्ण है और व्याख्या में बहुत अच्छे नंबर मिलते हैं। व्याख्या की तैयारी भी अच्छे से होनी चाहिए, उसमें ससंदर्भ का मतलब है संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। उसके बाद से विशेष में साहित्यिक सौंदर्य जरूर लिखें बच्चे, उससे नंबर मिलता है। और एक बात और इसके साथ साथ कि भाषा पर पकड़ मजबूत रहनी चाहिए, उनकी अभिव्यक्ति कैसी है, प्रश्न याद है, अभिव्यक्ति सही नहीं है, तब भी कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। मात्रात्मक त्रुटियों से बचें, चूँकि हिंदी विषय है और हिंदी में मात्रात्मक त्रुटियाँ क्षम्य नहीं हैं, मात्रात्मक त्रुटियों से बचें, ससंदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करें, जो वैकल्पिक प्रश्न हैं उनकी तैयारी अच्छे से करें। इसके साथ साथ समय समायोजन का भी ध्यान होना चाहिए कि कितने प्रश्न पर कितने प्रश्न करने हैं और हर एक प्रश्न पर कितने समय देने हैं, इसका भी बच्चे ध्यान रखें। प्रश्न हल कर लेने के बाद कम से कम 10 मिनट समय उसके पुनः अवलोकन के लिए कि कौन सा प्रश्न छूट गया, प्रश्न का नंबरिंग सही है नहीं। और इसके साथ साथ जो हिंदी विषय में महत्वपूर्ण सावधानी ये भी है कि जब पैरा चेंज करें बच्चे, पैरा चेंज करें या किसी विचारक समीक्षक का कथन प्रस्तुत करते हैं, वो इन्वर्टेड कामा में रहे, अब वो शब्दशः याद होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर बच्चे जिस पेन से लिख रहे हैं उसी से अंडरलाइन कर दें तो वो जो परीक्षक होता है उसकी नज़र पहले जाती है और वो भी एक मतलब सहायक हो सकता है अच्छे नंबर लगने। परीक्षा के अंतिम समय में आजकल काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है, जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस समय क्वेश्चन बैंक और बाकी सारी चीज़ें इतनी उपलब्ध नहीं थी। हाँ, बच्चे खुद जो है अपना नोट्स बनाते थे, उसका एक सारांश बनाते थे कि हमको तैयारी कैसे करनी है, लेकिन आज दुनिया में इतनी ढेर सारे पब्लिकेशन के इतने क्वेश्चन बैंक आ गए हैं और अक्सर जो है लाख वो क्लास में समीक्षात्मक या व्याख्यात्मक चीज़ों को पढ़े हुए हैं, लेकिन परीक्षा के अंतिम दौर में वो क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। तो कितना हेल्पफुल है क्वेश्चन बैंक एग्जाम के समय में? मेरे ख्याल से जो बच्चों के अपने बनाए हुए नोट्स हैं, जो प्राध्यापक गण ने पढ़ाया है, सबसे कारीगर वही होंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। बाकी ये क्वेश्चन बैंक उतने विश्वसनीय नहीं है, ये बच्चों को केवल पास होने के लिए
सहायक हैं अच्छे नंबर लाने के लिए। नहीं तो क्वेश्चन बैंक उतने कारगर नहीं है जितना कि अभी प्रचलन में है। मैक्सिमम ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बैंक को प्रेफरेंस दी जाती है। हिंदी सब्जेक्ट को लेकर और भी ढेर सारी भ्रांतियाँ हैं कि सब्जेक्ट में अक्सर लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लिखते हैं लोग, कुछ भी लिख दो पैराग्राफ में और नंबर मिल जाता है, कॉपियाँ भरी होनी चाहिए, इस पर क्या है? नहीं, गलत बात है ये। हिंदी में ज़्यादा कॉपियाँ भरी होने से भी मतलब नहीं है। जो प्रश्न है, जो परीक्षक है उसको वही चाहिए होता है, जो प्रश्न पूछता है उसी का उत्तर उसको चाहिए, वो ज़्यादा लिखने से उसमें कोई मतलब नहीं है। ये तो इस अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो इस समय जो बच्चे अभी सेकेंड ईयर में हैं, जो इस समय एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए। वो बच्चे जो इस समय फर्स्ट ईयर में हैं और उनको अगले साल एग्ज़ाम देना है, क्योंकि अभी जो हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम के बाद हो सकता है बच्चों को कम समय मिले इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ते पर चलें और बेहतर नंबर गेन करें। लेकिन जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं, जो अभी तैयारी करने के लिए जिनके पास पर्याप्त एक साल है, वो किस तरह से अपने टाइम को मैनेज करके अपनी तैयारियां करें? पहली बात, वो समय से क्लास करें। जैसे प्राध्यापक गण नोट्स लिखवा रहे हैं वो नोट्स लिखें। व्याख्यात्मक प्रश्न अच्छी तरह से करें, व्याख्या को समझें। और व्याख्या तभी अच्छी तरह समझ सकते हैं क्योंकि हिंदी में, हिंदी भाषा में व्याख्या आदिकाल से लेकर के और आधुनिक काल तक इतने व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, वो ब्रजभाषा में भी है, अवधि में भी है, हिंदी में भी है, और एमए की कक्षाओं में तो भोजपुरी भी है। तो ये तभी संभव है जब वो रेगुलर क्लास करें। और व्याख्यात्मक जब व्याख्या पढ़ाया जाता है उस समय एक एक शब्द को बारीकियों से समझें, तब वो व्याख्यात्मक को अच्छे से हल कर सकते हैं। और व्याख्या में बहुत ही अच्छे नंबर मिलते हैं। व्याख्या पर बच्चे ध्यान दें तो प्रश्न आधा आधा आसान हो जाएगा। दो पेपर में परीक्षाएं इंटर की होती हैं, हाई स्कूल की सिंगल एक पेपर में परीक्षा होती है। पहले हाई स्कूल की परीक्षाएं जो हैं व्याख्यात्मक थी, आज ऑब्जेक्टिव टाइप पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गया। नहीं, व्याख्या अभी भी है, व्याख्या अभी भी है। तो अब फाइनल संदेश उन बच्चों को शुभकामनाओं के साथ कि जो बच्चे परीक्षा में इस समय बैठ रहे हैं, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं उनके साथ कि वो अपनी तैयारी करें और अच्छा नंबर गेन करें और नाम अपना और अपना आगे की तरह। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हिंदी विषय को साइड समझते हैं। अभी आपके क्षेत्र में जान के आपको खुशी होगी कि आपके यहाँ बगल में जिस जगह आपका विद्यालय है, जिस ग्राम सभा में है, वहाँ का एक बच्चा इस समय हिंदी से दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए आज PCS रैंक का अधिकारी है, किताबें लिखता है और ढेर सारा है। तो सब्जेक्ट कोई भी कमज़ोर नहीं होता, पढ़ने वालों की अपनी समझ होती है, चीज़ों को देखने की अपनी पहचान होती है। और किसी भी सब्जेक्ट में जिसमें हमारी रुचि है उसको हम अपने रुचि के अनुसार पढ़ें सुबह और शाम। एग्जाम के समय ज़्यादा जोर देके रट्टा मारने का प्रयास भी बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। तो इन सारी जानकारियां आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है ये आप हमें बताएंगे। हमारा एक प्रयास है कि हम आपको परीक्षा और भी ढेर सारी समस्याओं से आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें, आपको ये बता सकें कि आपका फ्यूचर कितना बेहतर बनेगा। और अलग अलग लोगों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपने हमसे बात किया, हमको समय दिया, धन्यवाद। आपके अगले वीडियो के सेक्शन में आपको और भी ढेर सारे सब्जेक्ट्स जो भी आपके सिलेबस में हैं उन सबके विशेषज्ञों से आपको जानकारी मिलेगी। आप देखते रहें जनमंच खबरें।